नायका का शीट मास्क 100 रुपीज का, गार्नियर का 100 रुपीज, इंस्प्री का 200 रुपीज के ऊपर और लॉरियल का तो 400 रुपए के ऊपर। ये शीट मास्क जो होते हैं ये सिंगल यूज वाले होते हैं, एक बार यूज किया डिस्कार्ड, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है, पॉकेट भी ढीली करो और बेनिफिट सिंगल टाइम में 100 रुपया गया या उससे ऊपर गया। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज शेयर करने वाली हूं जो आप घर पर इजिली बना सकते हो, मींस शीट मास्क। शीट मास्क जो कि हम घर पे बना सकते हैं, जो बिल्कुल भी केमिकल वाला नहीं है, नेचुरल चीजों से बना हुआ है और आपकी स्किन को इतना ज्यादा ये आपकी स्किन में इलास्टिसिटी इंक्रीज कर देगा ना, कम से कम 50 साल तक तो आपके रिंकल्स नहीं आने वाले। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसको बनाने के लिए हमने लेना है कांच का बाउल, कोई भी कांच का बाउल आप ले लीजिए और उसमें आपने डालना है कोई भी फ्रूट जो आपके घर में अवेलेबल है, उसके 3 से 4 चम्मच उसके जूस के, चाहे वो सेब हो, चाहे संतरा हो, चाहे अंगूर हो, अनार हो, वाटरमेलन हो, जो भी सीजनल फ्रूट आपके घर में अवेलेबल है तो उसका आपने 3 से 4 चम्मच जूस के निकाल लेने हैं। ठीक है जी, मैंने लिया है मस्क मेलन या खरबूजे का, खरबूजे का मैंने जूस निकाला 3 से 4 चम्मच। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। एक चीज और, आपने वो फ्रूट्स नहीं लेने जो गुद्दे वाले होते हैं, जैसे कि केला हो गया, पपीता हो गया, जिन फ्रूट्स का पल्प निकलता है, गुद्दा निकलता है, वो नहीं हमने लेना। जिसका वॉटरी टेक्सचर में जूस निकलता है हमने वो ही लेना है। ठीक है जी, मैंने खरबूजे का लिया है, 3 से 4 चम्मच हमें काफी है। अब हमने इसमें मिक्स करने हैं 3 से 4 ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरिन। ग्लिसरिन अगर आपके पास घर पर नहीं है तो किसी भी केमिस्ट शॉप से आपको इजिली मिल जाएगी। ये देखिए 10 रुपए की शीशी है छोटी सी, ये आपको इजिली किसी भी केमिस्ट शॉप से मिल जाएगी। तो 3 से 4 स्पून्स में हमने 3 से 4 ड्रॉप्स जो है ग्लिसरिन के इसमें मिक्स कर दे। ठीक है जी, इसको इसमें मिक्स करने के बाद अब हमें चाहिए कोई भी मलमल का कपड़ा, आपके फेस जितना आपने मलमल का कपड़ा ले लेना है। अगर आपके पास घर पर मलमल का कपड़ा नहीं है तो हमारे पास कॉटन के हैंकी होते हैं, साफ हैंकी आप ले सकते हो कॉटन का। तो हमने इसको इसमें डुबो देना, इसको हमने सोक कर देना। ठीक है जी, सोक करने के बाद अब हमने इसको अपने फेस पर, क्लीन्ड फेस पर, आपका चेहरा जो है इसके ऊपर कुछ नहीं लगा होना चाहिए, आपके चेहरे पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, इसको पूरे फेस पर हमने रख लेना है। कम से कम 20 मिनट के लिए हमने इसको अपने चेहरे पर रखकर आराम से बैठ जाना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको लगा लेना है। 20 मिनट के बाद हमने इसको उतार देना है इस तरह से अपने चेहरे से, और इसी कपड़े से हम हल्का जेंटली अपनी स्किन पर मसाज कर, आप चाहो तो आप आईज की जगह को कट कर सकते हो कपड़े की, लिप्स की, पर मैंने नहीं किया क्योंकि कपड़े से हमें बहुत इजीली सांस मिलती है। तो 20 मिनट के बाद हमने इसको इस तरह से सर्कुलर मोशंस में 1 से 2 मिनट के लिए मसाज कर दिया। कपड़ा हमारा क्लीन होना चाहिए, चेहरा हमारा क्लीन होना चाहिए जो हम यूज कर रहे हैं। बस इसको कर लेना है मसाज। करने के बाद नाउ वी विल वॉश इट विद वॉटर। नॉर्मल पानी से मैंने इसको धो लिया है, आपने फेस वॉश नहीं यूज करना है, बस इसको डैब डैब करके ड्राई आउट कर लीजिए। और चेहरे पर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ कोई भी चीज लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्किन में डिफरेंस देखना, आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, आपकी स्किन में लचकीलापन आएगा और आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करने लग जाएगी। और ये आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हो किसी भी फ्रूट के साथ, क्योंकि हर फ्रूट में ये प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट और हाइड्रेटिंग करते हैं। तो आप कोई भी फ्रूट यूज कर सकते हो जो आपको सूट करता है, या फिर जो भी आपके घर में, चाहे वो कीवी है, ब्लैक ग्रेप्स है, अनार है, किसी भी फ्रूट का आप जूस निकालकर उसको आप इस तरह से यूज कर लीजिए। हर स्किन टाइप वाले इसको कर सकते हैं, हर एज ग्रुप वाले इसको कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है,
हफ्ते में दो बार कीजिए, आपको खुद को फर्क दिखेगा। जिन लोगों को रिंकल्स की प्रॉब्लम है या फाइन लाइंस आनी शुरू हो गई हैं या स्किन पर साइंस ऑफ एजिंग दिखने लग गए हैं, वो सभी लोग इसको जरूर यूज कीजिए। या फिर जो लोग बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर करते हैं धूप के कारण, यूवी रेस के कारण, या फिर चेहरा और किन्हीं कारणों के कारण डल हो चुका है, इस चीज को आप जरूर ट्राई कीजिए। इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव येट बेनिफिशियल। सो दिस वॉज माई होल वीडियो ऑन घर का बना हुआ शीट मास्क फॉर फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ स्किन। होपफुली आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। ऐसी और वीडियोज के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। बाय बाय, लव यू ऑल।